नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। संविदा कार्मिकों ने अनिश्चितकालीन धरना, जिला शिक्षा अधिकारी एवं समग्र शिक्षा कार्यालय के आगे लगा दिया है। उनका कहना है कि हम 2007 से इन प्रोजेक्ट के अंदर सहायक कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, परंतु हमें अब नौकरी से निकाल दिया गया है और हमारे को अब यह कहा गया है कि आपको हम संविदा पर इस कार्यालय में नहीं रखेंगे। इनकी पीड़ा यही है कि हम लंबे समय से इस विभाग के अंदर काम कर रहे थे, पहले DPP में, फिर सर्व शिक्षा, फिर समग्र शिक्षा में हम लंबे समय से काम करते आ रहे थे, परंतु हमें अब नौकरी से निकाल दिया है। इसी के कारण इन्होंने अब जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय के आगे धरना लगा दिया है और धरना लगा संविदा पर लगे हुए कर्मचारी बैठ गए हैं और उन्होंने यही कहा है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इसी प्रकार अनिश्चितकालीन धरना जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय के आगे लगाकर ही रखेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि संविदा कर्मचारी का इस प्रकरण के संबंध में क्या कहना। संविदा कार्मिक लगे हुए हैं पिछले 2007 से और हम राज्य सरकार ने हमें रख रखा है सर्व शिक्षा अभियान में, और अब राज्य सरकार ने एक आदेश किया था कि आप इनकी गणना करके हमें बताओ, तो इस मामले में श्री हमारे CDO साहब ने हमें अपने हिसाब से हटा दिया और अब राजस्थान में 32 जिलों में हमने और अन्य जिलों में ज्वाइन करवा लिया। अब CDO साहब ने हमारे साथ नाइंसाफी करते हुए हमें अब तक नहीं हटाया। हमने न्यायालय में प्रकरण लगाया, बीच में मध्यस्थता के बहाने हमें यह कह दिया कि आप अपना प्रकरण उठा लो और मैं आपको ज्वाइन करा लूँगा। अब ये कह रहा है कि अब इसकी वो इसकी जांच के लिए मैं जयपुर भेजूँगा इसके लिए निर्देशों के लिए, लेकिन इससे पहले हमें विश्वास नहीं है, इसलिए हमने दुखी होकर यह धरना लगाना पड़ रहा है। कितने लोग आपको? हम 10 आदमी हैं जी। 10 आदमी को निकाल दिया गया? हाँ, या हटा ही दिया गया या निकाल दिया। कब से बैठे हो आप? अब हमने तो पहले तो ज्ञापन बहुत दे दिए, अब हमने आज से धरना स्टार्ट किया है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय के आगे जो संविदा कर्मचारियों के द्वारा धरना लगाया गया है, उनकी समस्या के संबंध में CDO तेजा सिंह गदराणा से भी बातचीत की गई। आइए आपको वह भी सुनाते हैं कि उनका इस धरने के संबंध में क्या कहना है। हाँ जी साहब, जो धरने पर नीचे बैठे हैं, क्या मामला है इनका? ये अभी मैं देखता हूँ, शायद ये जो है प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिक हैं, जो पहले ऑर्डर आया था परिषद का कि इनको जो है प्लेसमेंट को वापस भेज दिया जाए, DPC कार्यालय का ये मामला है और उन्होंने भेजा है। अब इसको मैं देखूंगा भी ये क्या मैटर है, किस प्रकार का है, कोर्ट का मामला क्या है, तो उसको बैठ के जो है इसका मामला निपटाएंगे, कोई भी जो भी हो उसका विभाग से मार्गदर्शन मांग के ना परिषद से, तो परिषद को इसका पत्र लिखा जाएगा जी। तेजा सिंह गदराणा का कहना है कि यह इनकी समस्या जो है वो राज्य सरकार से संबंधित है। इन्होंने जो आवेदन पत्र हमारे कार्यालय को प्रस्तुत किया है उसको राज्य सरकार को हम रेफर कर दिया है और भी हम रेफर कर देंगे, और राज्य सरकार से जैसे ही कोई निर्देश इनके संबंध में प्राप्त होंगे और नियमानुसार इनकी समस्या को हल करने का हमारे स्तर से प्रयास होगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।